तो आप सब कैसे हो? आज क्लास 9th का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे, जिसमें लिखा हुआ ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु का मतलब होता है बच्चों बीच में। डी और ई रेखाखंड एक ही और स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी, इस पॉइंट को ध्यान रखना बच्चों, एंगल बी ए डी इक्वल में एंगल ए बी ई है और एंगल ई पी ए इक्वल में एंगल डी पी बी है। देखिए आकृति बच्चों, फिगर क्या है गिवन है, तो प्रूफ करना है। त्रिभुज डी ए पी सुराक्षम है ई बी पी के, और सेकेंड जो प्रूफ करना है ए डी इक्वल में बी। डायग्राम गिवन है बच्चों, फिर से डायग्राम को देखते हुए रीड करते हैं। ए बी एक रेखाखंड है जो यहाँ पे गिवन है, उसके बाद लिखा पी इसका मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है तो बच्चों दोनों दूरी क्या होगा, बराबर हो, मध्य का मतलब बीच में होता है। तो जितना डिस्टेंस ए पी का होगा उतना ही डिस्टेंस क्या होगा बी पी का होगा, क्योंकि पी क्या है, मध्य बिंदु है। पी के बारे में लिखा हुआ मध्य, मध्य का मतलब बीच में होता है। तो दोनों दूरी क्या होगा, बराबर होगा। डी और ई रेखाखंड एक ही ओर स्थित है। डी और ई जो रेखाखंड है एक ही ओर स्थित है। दो बिंदु इस प्रकार है कि बी ए डी, एंगल पढ़ते हैं बच्चों बी ए, बीच वाला हमेशा कोण को रिप्रेजेंट करता है, जो बीच में जो लिखा रहता वहीं क्या होता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो बी ए डी, बी ए डी कोण, इस कोण को बताना चाह रहा है। बी ए डी हमेशा ध्यान रखना, जो बीच का होता है वहीं एंगल को रिप्रेजेंट करता है। बराबर है ए बी ई, ए बी ई दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है। दोनों कोण क्या हो चुके, आपस में बराबर गिवेन है। और आगे लिखा ई पी ए, ई ई पी ए इस कोण के बारे में बोलना चाह रहा है, ई पी ए। और दूसरा है डी पी बी, डी पी बी दोनों कोण आपस में क्या बच्चों, बराबर है। मतलब इन दोनों, यह दोनों कोण आपस में बराबर है, ये दोनों कोण आपस में क्या है, बराबर है, क्वेश्चन के अंदर गिवन है। तो पहले क्या लिखेंगे बच्चों, गिवन पार्ट को लिखेंगे। तो पहले गिवन पार्ट को लिखेंगे, तो यहाँ लिख देते हैं जो दिया है, और दिया है हमें क्वेश्चन को क्या करते हैं, उतार देते हैं। तो लिख बता देते कहाँ से कहाँ तक उतारना है, यहाँ से स्टार्ट करना बच्चों और यहाँ तक क्या करना है, लिखना है। उसके बाद लिखना है, हम जगह छोड़ देते हैं, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। उसके बाद लिखना है तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चों, फिर इन दोनों को लिखेंगे। पहला क्या है, पहला जो प्रूफ करना है, त्रिभुज डी ए पी सुराक्षम है ई बी पी के, और जो सेकेंड जो प्रूफ करना है ए डी इक्वल में बी ई। क्या प्रूफ करना है सेकेंड पार्ट में, ए डी इक्वल में बी, बेसिकली दोनों को क्या लिखे हैं। अब उसके बाद कलर कर देंगे, डी ए पी है तो डी ए पी कौन सा त्रिभुज है बच्चों, डी ए पी पूरे त्रिभुज आ रहा है बच्चों, ये पूरे डी ए पी बेसिकली वाला पार्ट को बताना चाह रहा। कलर कर देते हैं समझने के लिए। इसमें ध्यान रखना कि तीन चीज को क्या करना, प्रूफ करना है। और दूसरा जो त्रिभुज है ई बी पी, ई बी पी मतलब इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट करते हैं समझने के लिए। और ये ध्यान रखना कॉमन है, क्या बच्चों कॉमन पार्ट है, इतना जो पार्ट है क्या कॉमन पार्ट है। अब तीन चीज़ कोई भी क्या करना, प्रूफ करना है। तो लिखते हैं प्रमाण, लिखने के बाद यहाँ लिखेंगे बच्चों प्रमाण, और इंग्लिश में लिखते हैं इसको प्रूफ। तो पहला त्रिभुज के लिखेंगे डी ए पी, और दूसरा जो त्रिभुज है जिसका नाम बच्चों ई बी पी, तो इसमें क्या गिवन बच्चों ए पी इक्वल में पी बी। तो लिखेंगे ए पी इक्वल में बी पी, रीजन बताना पड़ेगा बच्चों, पी क्या ए बी का मध्य बिंदु है, पी जो है ए बी का क्या है मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। और इसको इंग्लिश में लिखेंगे बच्चों पी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, पी ए बी का क्या है मिड पॉइंट है। और इसमें जो कोण है, कोण क्या है गिवन है, दिया हुआ है, इस कोण को इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या लिखा है बच्चों बता देते हैं, बी ए डी लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ बी ए डी बता देते हैं, बी ए डी इस कोण को बोलना चाह रहा है। और उसके बाद बोला ए बी ई, ए बी ई दोनों कोण आपस में क्या है बराबर है, इसको बता सकते हैं कोण ही कोण क्या आपस में बराबर है। तो इसको लिखेंगे, पहला जो एंगल है बच्चों
दिया हुआ जो एंगल बी ए डी इक्वल में एंगल ए बी ई क्या है, दिया हुआ। तीसरा जो समझने वाला जो बात है बच्चों, उसको अच्छे से समझना है कि तीसरा ही पॉइंट क्या है इसका इंपॉर्टेंट है। तीसरा बच्चों, एंगल ही गिवेन है, ये एंगल, ये एंगल क्या आपस में बराबर है, लेकिन जो त्रिभुज है बच्चों, जो त्रिभुज का जो प्रूफ करना है, डी ए पी में पूरे कोण आ रहा, क्या रहा बच्चों, पूरे कोण आ रहा जिसमें कोण कोण क्या है बराबर है। उसी तरीके से जो दूसरा त्रिभुज है ई पी बी में ई कोण क्या है बराबर, इसमें दोनों कोण में क्या कॉमन आ रहा, क्या करें दोनों में क्या करेंगे ऐड करेंगे, तभी क्या होगा त्रिभुज के अंदर पूरे आएगा, क्योंकि त्रिभुज जो बन रहा है उसमें पूरे एंगल त्रिभुज में आएगा, क्योंकि छोटा एंगल इस त्रिभुज का पार्ट नहीं है, ये पूरा एंगल क्या है इस त्रिभुज का पार्ट है। तो इसमें क्या करना, जो कॉमन एंगल को क्या करेंगे दोनों में ऐड करेंगे, जो गिवेन एंगल बच्चों, ये जो गिवेन एंगल है उस गिवेन एंगल में इस एंगल को क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो अभी क्या आएगा त्रिभुज का पार्ट आएगा। यही बात क्या है समझना है। तो बच्चों जो ये एंगल ही गिवेन है, उस एंगल में क्या करेंगे इस एंगल को दोनों तरफ क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, इसमें भी ऐड करेंगे और इसमें भी ऐड करेंगे। इसी बात को अब लिखेंगे, पहला एंगल लिखेंगे ई पी ए इक्वल में डी पी बी। बच्चों ये तो गिवेन है, एंगल ई पी ए इक्वल में बी पी डी पी बी, क्या दिया है डी डी है बच्चों डी पी बी। अब इसमें कॉमन एंगल को क्या करेंगे ऐड करेंगे, कॉमन एंगल को दिखा देते हैं, ये जो कॉमन एंगल है बच्चों इस एंगल को क्या पढ़ेंगे डी बी ई डी पी ई, तो दोनों में क्या करेंगे ऐड कर देंगे। तो लिखेंगे इसको दोनों तरफ एंगल डी पी ई, जो कॉमन एंगल है को जोड़ने पर इंग्लिश में लिखेंगे बोथ साइड एडिंग डी पी ई, बोथ साइड एडिंग डी पी जोड़ने पर। अब जोड़ देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा बच्चों एंगल ई पी ए प्लस एंगल डी पी ई इक्वल हो जाएगा डी डी पी बी प्लस डी पी डी पी ई। अब दोनों को ऐड करने के बाद देखते हैं बच्चों क्या रहा है। पहला फिगर में देखेंगे एंगल ई पी ए प्लस डी पी ई कौन सा एंगल को बता रहा है, फिगर में देखते हैं बच्चों। अगर इस एंगल में इस एंगल को ऐड करेंगे तो पूरे एंगल आएगा, पूरे एंगल को क्या पढ़ेंगे ए पी डी पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बच्चों फिर से रिपीट करते हैं, इस एंगल में अगर इस एंगल को ऐड करेंगे तो पूरे एंगल आ जाएगा, तो पूरे एंगल क्या पढ़ेंगे या तो इधर से पढ़ सकते हैं या तो इधर से पढ़ सकते हैं, इधर से पढ़ रहा है तो ए पी डी आ जाएगा, तो लिखेंगे ए पी डी। तो इन दोनों को बदले में लिखेंगे बच्चों ए पी डी, क्या लिखेंगे ए पी डी इक्वल में, अब इन दोनों को ऐड कर एंगल ऐड करके पढ़ेंगे डी पी बी प्लस डी पी ई। फिगर में देखते हैं बच्चों, इस एंगल में अगर इस एंगल को ऐड करेंगे तो पूरे एंगल आएगा, क्या आएगा पूरे एंगल आएगा, फिर से इस एंगल में इस एंगल को ऐड करेंगे तो पूरे एंगल आएगा, पूरे एंगल कैसे पढ़ेंगे बी पी ई, इसी त्रिभुज का पार्ट है बी पी ई, तो लिखेंगे बी पी ई। तो यहाँ पर लिखेंगे बी पी ई। अब क्या होगा जो तीन चीज़ प्रूफ कर दिए, पहला यहाँ प्रूफ किए, दूसरा यहाँ, तीसरा यहाँ प्रूफ किए। अब देखेंगे फिगर में कौन सा, पहले लिख देते हैं सुराक्षम को, पहला त्रिभुज क्या बच्चों डी ए पी है, तो लिख देते हैं डी ए पी सुराक्षम है ई पी बी बाई, फिगर में देख लेते हैं कौन सा रूल को सेटिस्फाइड कर रहा है, उसके लिए किसी एक त्रिभुज में क्या करें तो मूव कर रहा है, जैसे इस त्रिभुज में क्या 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 प्रूफ किए, इस त्रिभुज में बच्चों प्रूफ किए एंगल फिर साइड फिर एंगल प्रूफ किए, तो हो जाएगा एंगल साइड एंगल, क्या पहले क्या प्रूफ किए एंगल फिर साइड प्रूफ किए फिर एंगल प्रूफ किए, तो किसके अकॉर्डिंग हो जाएगा बच्चों सुराक्षम एंगल साइड एंगल, तो यहाँ लिखेंगे बाई एंगल साइड एंगल। ये पहला पार्ट प्रूफ होगा, दूसरा पार्ट बच्चों सी पी सी टी से क्या होगा बराबर होगा ए डी इक्वल में हो जाएगा बी ई, जैसे इसका पहला दूसरा आपस में क्या होगा बराबर होगा, और लिखेंगे बाई सी पी सी टी। ध्यान रखें बच्चों के दो त्रिभुज आपस में सुराक्षम होता है तो क्रॉसपेंडिंग पार्ट्स क्या होता है
बराबर होता है, तो इसीलिए इसका पहला दूसरा क्या है, ए डी लिखो या डी ए लिखो बात बराबर है, इसलिए बी लिखो या ई बी लिखो बात बराबर है, बाई सी पी सी टी से क्या होगा, बराबर होगा। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूले, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, और ये अंडरलाइन करें बच्चों, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थैंक यू।